नमस्कार। आज श्री रुपेश पाटिल चित्रकार, इन्होंने नेहरू सेंटर में ग्रामीण कला और संस्कृति का प्रदर्शन किया है। उसके पेंटिंग्स बहुत अच्छे हैं। मैं सभी मुंबई वालों को निवेदन करता हूं, विनंती करता हूं कि आप ये पेंटिंग देखने के लिए आइए कि मुंबई शहर और ग्रामीण इसका अलग मिलाव दिया है। अलग अलग टाइप के पेंटिंग्स है। ये पेंटिंग का एग्जीबिशन जो है आज से दिनांक 23 जनवरी 2024 से 29 जनवरी 2024 तक नेहरू सेंटर में है। आप आइए, देखिए, सब आपको ये पेंटिंग्स पसंद पड़ेगी। एक ग्रामीण शैली का जीवन उन्होंने प्रदर्शित किया है। पर्यावरण और एक्चुअली आई एम इन टूरिज्म सेक्टर में, टूरिज्म एंड इनका जो पेंटिंग जो है वो अलग अलग डेस्टिनेशंस का उन्होंने प्रदर्शित कर सकते हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट के लिए। कि जैसा आपके होटल, रिसोर्ट, मोटेल, इनके रूम्स में ऐसे ग्रामीण के चित्रकला फोटोज़ फ्रेम्स वगैरह लगाने के लगने से टूरिज्म सेक्टर का ही बिजनेस बढ़ जाएगा और टूरिस्ट को ही पसंदी मिल जाएगी। यस, ये जो कलाकार आर्टिस्ट जो है उनको सपोर्ट करने के लिए टूरिज्म बीइंग एज अ टूरिज्म कोंकण डिवीजन में हम एक साथ काम करेंगे। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी टूरिज्म डिपार्टमेंट रुपेश पाटिल के साथ के पीछे है, सहयोग करेंगे एज बीइंग एज अ कोंकण डिवीजन। तो मैं यही कहना चाहता था कि दुनिया भर में वैज्ञानिक जो डेटा लेके आते हैं ओके, उसका एक स्ट्रक्चरिंग, उसका एक विजुअल कलाकार कर पाते हैं ओके। आप अगर देखेंगे जो जिस जहाँ से मतलब जिस उरण से वो बिलोंग करते हैं, तो उरण का एक भारत में नक्शा एक प्रस्तापित होने के लिए उन्होंने ग्रामीणता नाम का एक सब्जेक्ट चुना है। तो हमारा एक अतुलनीय एक उनका एक योगदान है कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए। उसी समय मैं अपेक्षा करूँगा कि जहाँ पे हमारा कम्युनिटी का नक्शा प्रस्तापित हो रहा है दीवा पटेल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर, वहीं पर इनका भी एक योगदान आर्ट गैलरी से कुछ पिक्चर्स है वहाँ पे इस्टेब्लिश हो, ये मेरी विनंती रहेगी और उसके लिए हम एक निवेदन जल्द ही देने वाले हैं। वैसे ही जो टॉपिक इन्होंने चुना है उसमें ये दिखाता है कि हम जग भर में, हम एक इंडियन हैं, इंडिया में एक महाराष्ट्रीय मराठी है और यहाँ पे हम भूमिपुत्र हैं। तो एक ग्रामीणता रूट कॉज का एक डेफिनेशन, कहाँ से आए हो उसको कनेक्ट करो, ये एक चीज़ बताता है। तो मैं रुपेश जी को कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा कि ऐसे ऐसे नए विषय आप लेते आए और इसी तरह से एक एग्जीबिटिव आइडिया और एक एक्सप्रेशन दुनिया के सामने रखें। धन्यवाद। मैं यही कहूँगा कि ग्रामीणता ये नाम ही ऐसे है कि यहाँ मतलब मुंबई में रह के कि अपने को उरण देखने का है या ग्रामीण उन सभी भाग देखने के लिए ये शब्द काफ़ी है। और ये शब्द अभी आप चित्रकार देखेंगे तो उसमें सीधा दिखाई देता है कि ग्रामीणता क्या है। और ये उन्होंने अपने कलाकारी से दिखाई है और मुंबई के सभी लोगों को मैं सोचा कि जो चित्रकार जानते हैं उन्होंने यह जरूर आके वो देखना जरूरी है। और इन्होंने बोला ना कि अगर वो एयरपोर्ट पे चित्र लगना जरूरी है ना, तो सच्चे हो जाए कि वो लगना ही है। तो उनके लिए अगर कोई चीज़ लगना तो मैं स्वाक्षरी मोहिम लूँगा मुंबई से कि ऐसे ही आदमी का चित्र उधर लगना ही चाहिए और मेरा शुभकामनाएं उनके साथ। आपको लगता है जरूर जरूर जो भी चलेगा जो भी है, लेकिन ख्वाफ तो रखता हूँ ना कि होना जरूरी है बस। तो
अभी मुझे ये सब एग्जीबिशन देख के रामायण की याद आई, जो प्रभु श्री राम है वनवास जाके वापस आने के बाद जो हमें आनंद हुआ, तो इसलिए आनंद हुआ कि वो वनवास गए थे। अगर वो अयोध्या में ही रहते तो शायद हम ये सेलिब्रेशन दिवाली नहीं करते। तो हम मुंबई में रहते हैं लेकिन हमको रूरल एक्सपीरियंस चाहिए हमारे घर में। तो रुपेश जी ने एक हमारा भारत का जो ग्रामीण जो लाइन है उसको हमारे घर में लेके आ रहे हैं, उसकी तरफ देख के हमको हमारे विलेज की तरफ जाने की इच्छा होगी। और एक आपको ऐसा महसूस होगा कि हम है मुंबई में लेकिन हमको हमारे गांव ज़रूर जाना है। तो यही उनका यश है, तो मैं उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं और सभी मुंबई वासियों को आह्वान करता हूं कि यहां पर नेहरू प्लेनेटोरियम में आए और इस एग्जीबिशन का आनंद लें। जय श्री आज का एग्जीबिशन्स मेरा ये सोलो एग्जीबिशन्स यहाँ पे हो रहा है और इसी एग्जीबिशन के लिए जो मेरे फ्रेंड्स और मेरे जो गेस्ट आए हैं मेरे को आशीर्वाद देने के लिए, इस वजह से मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हर आर्टिस्ट को बूस्ट करने के लिए उनके पीछे विशेष देने वाले लोग और सपोर्ट करने वाले लोग इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो मेरा स्ट्रगल तो चालू है, काम कर रहा हूँ, लेकिन ये लोगों के वजह से कुछ अच्छी बूस्ट और प्रेरणा मिल रही है, इंस्पिरेशंस मिल रही है काम करने के लिए। तो ये मेरा रूरलिटी के ऊपर जो एग्जीबिशन है, यहाँ पे मेरा धीरेन्द्र सर ने बताया 30, देर इज़ नॉट 30, यू कैन सी आपने देखा तो यहाँ पे मेरा 40 पेंटिंग्स है। मेरे को भी मेरे समझ में नहीं आया कि मेरा 40 पेंटिंग कैसा, 30 तो मैंने किया था टारगेट, लेकिन 40 पेंटिंग यहाँ पे मेरा डिस्प्ले है। तो यहाँ पे ये गैलरी मोस्टली ग्रुप एग्जीबिशन की रहती है, लेकिन यहाँ पे मेरा सोलो का एग्जीबिशन से मतलब मैंने 40 पेंटिंग्स बनाने के लिए बहुत कम टाइम में मैंने ये सब पेंटिंग्स किया, और ये सब पेंटिंग जो है वो मैंने एग्जैक्ट वहाँ पे जाके बनाई है, मतलब रूरल एरिया में जाके लाइव किए हैं। ये ऐसे नहीं कि यहाँ पे पिक्चर्स लिए कुछ रेफरेंस हैं, लेकिन ज़्यादातर मेरे को आउटडोर करने के लिए बहुत मज़ा आता है। मैं मेरे फ्रेंड्स हम लोग जाते हैं मोस्टली कोकन में वगैरह जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे जाके हम लोग काम करते हैं, वहाँ पे काम करके हम लोग को हम प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ से प्रैक्टिस करके अच्छी पेंटिंग्स बनती है। तो वो पेंटिंग हम लोगों के लिए यही एक मतलब स्पेस है, यही एक हमारी जगह है जहाँ पे हम हमारा पेंटिंग राइज कर सकते हैं, मतलब इन होम इफ़ वी कैन स्टोर आवर पेंटिंग्स इन होम इट्स विल बी नॉट अ गेट वैल्यू, इट्स विल बी कम इन गैलरीज, इट्स विल बी राइज हाई। सो दैट्स वाई पेंटिंग्स एग्जीबिशंस गैलरी में लगती है तो लोगों को अच्छा लगता है, तो उससे पता चलता है कि देखो हम लोग एक आइडल लाते हैं और वो मंदिर में लेके जाते, मंदिर में जब वो आइडल जाते तो उसका जो ग्लो रहता है, हम लोग गणपति बिठाते कितना अच्छा लगता है, वैसा हम लोगों को आज मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो मेरा जो फेस्टिवल्स रहता है वैसा ही मेरे को लग रहा है कि गणपति या दिवाली जैसा एटमोसफियर है, सब लोग आ रहे हैं और मेरे को विश कर रहे हैं, एक पॉजिटिव थिंकिंग, मतलब जो लोग आएंगे वो अच्छे मन से यहाँ पे आते हैं, तो वो विशेष हम मेरे को अच्छी पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए और मेरा काम अच्छा होने के लिए, और ये मेरे लिए बहुत अच्छा हो रहा है, आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। जी बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। जैसे रुपेश जी ने बोला कि वो रूरल एरिया में जाके उन्होंने वहाँ पे पेंटिंग की है, तो सिर्फ वो वहाँ की चित्रकारी लेकर नहीं आए हैं, वो वहाँ का जो भाव है, जो कहानी है, हर एक पेंटिंग कुछ कह रही है। जैसे मैंने सारी पेंटिंग्स उनकी देखी, सिर्फ उसमें ये नहीं है कि हम लोग कुछ एक 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 फिगर देख रहे हैं या लैंडस्केप देख रहे हैं, अगर ध्यान से देखें तो उसमें एक स्टोरी दिखेगी, कहानी दिखेगी, और जो रुपेश ने उसे बहुत ही अच्छे से उसको उसमें प्रेजेंट किया है पेंटिंग में अपने, और एज एन आर्टिस्ट जब मैं उनका कलर पैलेट और जो वाइब्रेंसी और पेंटिंग में जो बोल्डनेस है, बहुत ही सुंदर बनाया रुपेश ने उसको, और भी ब्यूटीफुल तरह से दिखाया, तो बहुत ही पेंटिंग्स देख के हम लोग को अच्छा लगा। मैं तो
मेरा स्थानिक आदमी है, मेरा भाई बंद है, और वो पूरा भारत को 40 पेंटिंग के अंदर उन्हें उतार दिया है, ग्रामीण भारत। मैंने पूरा भारत को उसको 40 पेंटिंग के अंदर उतार दिया है, उन्हें उधर का अवलोकन किया है, वो सब आपके सामने रखा है। मुझे ये चीज का, मेरे भाई का, मेरे भूमिपुत्र का, भगवान को ये मैं प्रार्थना करूँ कि दिन बन दिन वो बढ़ते रहे। और ये सब चीज़ का मैं सुना हूँ कि और देखता हूँ कि महाराष्ट्र शासन ये सब चीज़ के ऊपर अच्छा अभ्यास कर रहा है, और उसका वो उसका चीज़ होना चाहिए, और मेरा भाई दिन में दिन आगे बढ़ना चाहिए, मेरी कामना है, और ये कामना जल्दी से पूरी होगी ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ, और भगवान से प्रार्थना करूँ। एग्जीबिशंस 23 से मतलब आज से स्टार्ट होगा तो 29 तक है, तो ये 8 डेज में आप ज़रूर सब लोगों को मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और आप प्लीज़ आई एम जस्ट इन्वाइटिंग एवरीवन टू सी माय एग्जीबिशंस। देर आर द 40 पेंटिंग्स, 40 पेंटिंग आप लोग को देखने को मिलेगा रूरल एरिया पे, ये रूरल एरिया का है, और वो आपको बहुत पसंद आएगा, तो सब लोगों ने ये गैलरी में आना चाहिए। नहीं, इस टाइम ये मेरा एग्जीबिशंस ज़्यादातर मैं वाटर कलर पे काम करता था, वाटर कलर में मेरा बहुत अच्छा हैंड है, तो वो मेरे अच्छे पेंटिंग थे, लेकिन अब मेरे आप वाटर कलर में भी 10% ही होंगे, लेकिन ये एग्जीबिशन में आपको पता चलेगा, आप सब एक पेंटिंग्स देखा, तो पेस्टल्स जो मीडियम है वो मैंने अच्छे तरीके से हैंडल किया है, उसमें अच्छे काम मेरे हो रहे, तो जो पेस्टल के जो पोर्ट्रेट्स हैं वो मेरे को सबसे पसंद यहाँ पे हैं, वो जो मैंने काम कर किया है इसको उसके ऊपर, वो पोर्ट्रेट ज़्यादा नहीं थे मेरे, पहले कम करता था, लेकिन अब भी लैंडस्केप्स के साथ साथ यहाँ पे 80% मेरा आपको पेस्टल्स देखने को मिलेगा, और पेस्टल्स मीडियम वेरी हार्ड मीडियम है, और वो मैंने अच्छे तरीके से यहाँ पे पेंटिंग्स बनाई। या थैंक यू सो मच एवरीवन। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आज रुपेश पाटिल जी का यहाँ पे नेहरू सेंटर में एग्जीबिशन लगा हुआ है, कौन सी पेंटिंग आपको प्रभावित किया और क्या कुछ कहना चाहेंगे किसी अगर खास एक पेंटिंग के बारे में बात करें? बिल्कुल, यहाँ पर रुपेश जी के 14 पेंटिंग्स यहाँ पे लग चुके हैं नेहरू सेंटर में, इनमें से मुझे बहुत जो भाई है दिल को मन को भाई है वो ये पेंटिंग है, क्योंकि जब भी हम रुपेश जी से मिलते थे वो ऐसा नहीं कि घर बैठ के वो कोई पेंटिंग बनाते, वो ऑन द स्टेज जो लाइव जाके वहाँ पे वो पेंटिंग करते थे। जब ये पेंटिंग चालू थी, यह हमारा करंजा एरिया है, वहाँ शिव शोर है, वहाँ पे जो बैलगाड़ा वगैरह पर आपको दिख रहा है, वो वहाँ पर 8-8 घंटे बैठकर वो जो चित्र बनाया उन्होंने, बहुत मेहनत और शिद्दत के साथ वो बनाते हैं, और स्पेशली आप देख सकते हैं कि वो सब जो नेचुरल नेचर है उन्होंने यहाँ पर उतारा है, जो बोट है, बैल है, वो जो आदमी लोग दिख रहे बोट दिख रहे, जो पानी, और ये छोटी छोटी बारीकियाँ है ना, वो उनकी चित्र की खासियत है। हम जब भी किसी भी पेंटिंग में हम देखेंगे तो वो खासियत दिखते, वो नज़ाकत रहती है एक पेंटर की, तो वो पेंटर की नज़ाकत जो देखना चाहिए तो रुपेश जी का चित्र देख के ही पता चलता है। ही इज़ अ डिफरेंट फाइन आर्टिस्ट बिकॉज हिज पेंटिंग इज नॉट ओनली सेल इन इंडिया बट अब्रॉड द इंडिया ऑल्सो, इन रसिया, फ्रांस, फ्रांसिस्को, लंडन से अभी मैम ने आए, वो उनके चित्र में के प्रति जो भाव है, अच्छा भाव है, चित्र के प्रति प्यार है, वो प्यार जताने के लिए वो लंडन से है, तो ये बड़ा आर्टिस्ट है, छोटा दिख रहा है लेकिन वो कहते छोटी मूर्ति और बड़ा काम, वो उनका काम कर रहा है उनके लिए। हाँ राइट, उनको मैं बहुत ही शुभकामना देना चाहूँगा कि उनके जैसे एग्जीबिशन सारे वर्ल्ड में हो जाए। धन्यवाद।